केयर फाउंडेशन का ये जलसा जिसे सजाया है इस्लाम जिमखाना और ग्लोबल केयर फाउंडेशन ने। हाजरीन, जिंदगी क्या है, जिंदगी क्यों है, जिंदगी कैसी है, जिंदगी मर्द और औरत के मिलाप का नाम नहीं, जिंदगी गंदे पानी के निकास का नाम नहीं, गंदी जिंदगी का मफहूम मसले अज़दवाज तक महदूद नहीं, जिंदगी नाम है कश्मकश का, जिंदगी नाम है बेबाकी का, जिंदगी नाम है हरकत का, जिंदगी नाम है जिंदा रहने और जिंदा रहने का मुतालबा करने का, और जिंदा रहने और जिंदा रहने का मुतालबा करना और उसकी हिम्मत देने का काम कर रहा है ग्लोबल केयर फाउंडेशन। डॉक्यूमेंट्री देखते वक्त जो हम लोगों ने फुटेज देखे या फिर जो क्लिप्स बेनिफिशियरीज के देख रहे थे, वो उसका थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं था जो हम असल में देखते हैं। उनके जब घरों में जाओ, उनके मोहल्लों में जाओ, उनके लिए जब मुलाकात करके उनसे बातचीत करो और उनकी जो हालतें हम देखते हैं उसको बर्दाश्त करना खुद एक बहुत बड़ी बात है। ये तो डॉक्यूमेंट्री के अंदर बहुत छोटे छोटे क्लिप जमा किए ताकि ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाए कि ये हो क्या रहा है, काम क्या चल रहा है। ग्लोबल केयर फाउंडेशन जो भी अभी तक काम की कोशिश हो रही है वो ये कि लीगल एड और प्रिजनर रिलीज इस फील्ड में ही ऑलरेडी बहुत कम एनजीओस और पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व है लीगल एड के लिए प्रिजनर रिलीज में, तो उसको किस तरीके से प्रोफेशनली किया जाए और मुस्तहिक लोगों को जो जेलों में किसी वजह से हैं पहली बार के हैं उनको किस तरीके से रिलीज किया जाए, रिलीफ में लाया जाए, ये पूरे दिखने में भी आपको थोड़े बहुत जो इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट दूंगा उसमें एक चीज डिफॉल्ट है दिमाग के अंदर, हम लोग ये सोच के चले कि जब इसकी शुरुआत किया था बहुत छोटे पैमाने पर शुरू हुई थी और यूसुफ भाई की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया और इस चीज को जो पब्लिक के सामने लेके आया गया वो बहुत ज्यादा बड़ा सपोर्ट था हमारे लिए, और ये पूरे काम के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूसुफ भाई का हाथ रहा है और उनकी मदद की वजह से मैं यहाँ पर आज आपके सामने खड़े रहकर कुछ बोल पा रहा हूँ। प्रिजनर रिलीज प्रोजेक्ट, जो प्रिजनर्स को रिलीज करने का प्रोजेक्ट, इस साल का मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने इस साल 1997 केसेस पे काम किया सिर्फ एक साल के अंदर, और उसके अंदर से रिलीज हुए 266। हम लोगों को ये भी गैप भी देखना है, 1997 और 266 के अंदर बहुत बड़ा खला है, बहुत बड़ा एक नंबर का गैप है। वजह हमारे एक्सपर्ट्स एडवोकेट भी बैठे हुए आपको बताएंगे, ड्रॉप आउट जो होते हैं हम जिनको नहीं छुड़ा पाते हैं, वजूहत बहुत सारी हैं जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन का ना होना, हैबिचुअल होना, घर वालों का सपोर्ट ना करना, दूसरे स्टेट्स के होना और बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज जो हम कोर्ट में फेस करते हैं उनके घर वालों के कम्युनिकेशन में, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कैरी ऑन हो रहे हैं जिनके केसेस काफ़ी टाइम लग रहे हैं रिलीज होने के लिए। तो ये सबको मिला के हम लोग एक बहुत कम परसेंटेज हम छुड़ा पा रहे हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि और इसको मज़ीद बढ़ाया जाए। और टोटल अभी तक का जो हमारा रिलीज का अमाउंट नंबर है वो 590 अलहमदुल्ला हम लोग ने कम्प्लीट कर लिया है और इसी महीना हम 600 कम्प्लीट कर रहे हैं। रिलीज करने के टाइम पर हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि जो हमको अमानत मिली है डोनेशन की उसको किस तरीके से सेव किया जाए। ऑर्डर होता है कोर्ट की तरफ से 15,000 20,000, हर केस में हमारी कोशिश होती है कि रिक्वेस्ट किया जाए मजिस्ट्रेट से कि उस पैसों को कम किया जाए, 15 की जगह 10 या 20 की जगह 15 हम लोग मॉडिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं, लॉयर यहाँ पर अवेलेबल है। और इस साल के अंदर ही हम लोगों ने अलहमदुल्ला 11,48,000 रुपये सेव किया है सिर्फ। और ये पूरे जो जेल जिसके अंदर है वो अर्थर रोड, बाइकला, थाने, कल्याण, तलोजा, अलीबाग और यरवड़ा इंक्लूडेड है, और इन सारे जेलों के अंदर कंटिन्यूसली काम चला है अल्हम्दुलिल्लाह।
इस दौरान प्रिजनर रिलीज एक्टिविटी के टाइम पर जब हमको ये पता चलता है कि घर का फर्द अंदर है और बाहर उनके घरों में तकलीफ है, तो उनके घरों में हमने राशन भी पहुंचा है ताकि जब तक कि वो रिलीज होता है तो उनके घरों में राशन का काम चल जाए। सेम टाइम में जो बच्चे प्रिजनर्स के बच्चे हैं घरों के अंदर, जिन लोगों को सहारा कुछ नहीं है, तो उनको एजुकेशन एड या फिर ये इसी बाउंड्री के अंदर जो प्रिजनर रिलीज तो प्रिजनर अंदर है उसके घर के अंदर जो तकलीफें हैं, उनके बच्चे को जो एजुकेशन का इशू है, फीस वगैरह का, तो वो भी हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया। साथ ही साथ रिलीज हो जाने के बाद में इस साल काफी बड़े नंबर्स के अंदर प्रिजनर जो रिलीज हुए वो जॉब में लगे और उनका रिहैबिलिटेशन अच्छे से हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रिजनर रिलीज का एक ब्रीफ का रिपोर्ट था। लीगल एक क्लिनिक जो हम लोग रन कर रहे हैं जहाँ पर फ्री लीगल गाइडेंस जो कोई भी केसेस के अंदर चल रहा है, हर हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह काफी दसियों के हिसाब से केसेस हमारे पास आ रहे हैं। इस साल हम लोगों ने 102 सेशन क्लिनिक के हम लोगों ने कंडक्ट किए और 461 फैमिलीज को लीगल एड के जरिए, लीगल एडवाइस के जरिए उनको रिलीफ पहुंचाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह 19 लीगल एड अवेयरनेस प्रोग्राम और उसके अंदर बेनिफिशियरीज 4,800। पसे जिंदा ये किसने आह ली है, पसे जिंदा ये किसने आह ली है, दराड़े पड़ गई हैं पत्थरों में, कितने ही मजलूमैन, कितने ही महरूम अशखास, कितने ही मुफलिस, गमजदा नादार कैद खानों में सांसें ले रहे हैं, वक्त को गिन रहे हैं, कितने दिन बाकी हैं, कब मैं बाहर आ पाऊंगा, कब मुझे अपनी आज़ादी मैसर होगी। देखिए एक बहुत अहम चीज़ जो मैं आपके सामने आज के सब्जेक्ट जो है मजमून कैदियों को रिहा करने की बात, उससे जुड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ। किसी भी मुल्क या समाज की तहजीब और तमद्दुन का अगर आपको मुहासला करना हो कि वो कितना कामयाब है, तो उसके लिए उसके फौजदारी इंसाफ के निज़ाम की तरफ तवज्जो दे। और उसमें कहा गया था कि हम लोग गरीब जो लोग जेलों में बंद हैं, जिनका पहला ऑफेंस है या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और जो जेलों में है और जिनको बेल नहीं मिलती या बेल का अमाउंट अगर है तो वो दे नहीं पाते, तो हम लोग ये काम हमने शुरू किया है। तो नॉर्मली लोग जाते हैं बात करने के लिए कि आपको हेल्प कीजिए, बल्कि मैं इनको फोन करके बुलाया कि आप आगे मुझसे मिलिए, आपका बड़ा अच्छा काम है। तो उस तरह आप ही पहली बार मेरे घर पे आया और वहाँ से हमने बात शुरू की, अच्छा काम लगा, आज हमने उनका साथ देना शुरू किया। लेकिन उसका नतीजा ये है कि अभी पूरा 24 ओवर पूरा 12 महीने मेरे साथ ही रहता है। ये इंडायरेक्टली उसको इंस्ट्रक्शन के बाबा थोड़ा काम हैरान करो, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है। और क्योंकि यहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं, मेरा तो क्रिमिनल प्रैक्टिस कभी की नहीं, सिविल साइड पर था, लेकिन कुछ ऐसा सोच रहा था कि भाई इतने सारे लोग जेलों में बंद हैं और कभी कभी सोशल मीडिया के जरिए मालूम पड़ता है कि आजकल हमारी लोअर कोर्ट बेल नहीं देती या किसी वजह से डरते हैं, तो ये जाती अपील के अंदर, अपील में बहुत सारे अपील पेंडिंग रहती है और वहाँ से बेल मिलती भी है, लेकिन तब तक तो बेचारा जो अंडरटायर होता है बड़ा परेशान, उसकी फैमिली परेशान, वो काफ़ी खर्च भी होता है, अभी दिन रात में काम करता है, मतलब हमेशा परेशान रहता है, वो परेशान करता भी है, मतलब हर 10 दिन में कहीं ना कहीं फ़ोन करना पड़ता है, कहीं किसी से बात करनी पड़ती है, कहीं कहीं रिकमेंड करना पड़ता है। तो ये इसलिए है कि उसको वो भी जानते हैं कि कुछ कमी लोग हैं मुंबई में जो ये नेक काम में मुझे मेरा साथ दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपके ज़रिए या आपकी बातों के जरिए, वीडियो के जरिए, प्रेस के जरिए, मीडिया के जरिए ये बात पहुँचे लोगों तक कि ये नेक काम में इसमें इसमें साथ देने में कोई बुराई नहीं है और कोई तकलीफ भी होने वाली नहीं, क्योंकि हम लोग तो किसको हेल्प कर रहे हैं जो पहले फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या जिसका बेल हो चुकी है लेकिन पैसा नहीं होने से बेल नहीं देती है, वो बेल को अवेल नहीं कर पाता। हमारे काफ़ी लोग यहाँ पे मोदक साहब बैठे हैं, मोदक साहब को जब अपील गई तो उन्होंने महीने भर में 20 लाख रुपये जमा कर दिया, एक आदमी 26 लाख। ये बोल क्यों बोल रहा हूँ मैं, ताकि इस बार डबल हो, आपके काम को एफिशिएंट किया लेकिन आप अगर डबल करोगे तो नेक्स्ट ईयर और उसको अच्छी बात करेंगे, लेकिन आपका बड़ा शुक्रिया कि आप इस नेक काम में साथ दे रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ एक खोल करना पड़ता है और आज के बाद तो आपको 5-6 लोग और मिल गए ना, वो भी बड़े बड़े वकील हैं, उनके जरिए थोड़ा फोन करा दीजिए ताकि लोगों को थोड़ा डर भी लगे और थोड़ा पैसा भी आपको ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।